जनता के प्रति संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में दिवंगत होमगार्ड्स जवान नारद मुनि के परिजन को कुल 34 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने सांत्वना देते हुए बेहद आत्मीयता से यह भी कहा कि भरण पोषण और बच्चे की बेहतर शिक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। शनिवार सुबह सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने सभा कक्ष में होमगार्ड्स जवान स्वर्गीय नारद मुनि के परिजन पिता और पुत्र से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सहायता धनराशि के रूप में क्रमशः 30 लाख व 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के रामनगर केवटलिया टोला सारूफा गंज निवासी नारद मुनि की 18 मार्च 2022 को ड्यूटी से घर जाते वक्त सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। वह बी कंपनी नगर क्षेत्र गोरखपुर में तैनात थे। उनकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उनका एकमात्र नाबालिग पुत्र 11 वर्षीय अजय कुमार है, जिसकी देखभाल उसके दादाजी परशुराम द्वारा की जाती है। सहायता राशि का चेक प्रदान करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय नारद मुनि के पिता परशुराम और बेटे अजय कुमार को सांत्वना देते हुए कहा कि उनके रहते परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर परिस्थिति में वह मदद करने को तत्पर मिलेंगे। उन्होंने अजय कुमार को आशीर्वाद देते हुए खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया, कहा कि कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताओ, हर दिक्कत दूर होगी। इस दौरान होमगार्ड्स के मंडलीय कमांडेंट के एच मिश्रा, जिला कमांडेंट विंध्याचल पाठक भी मौजूद रहे।